जी रॉय बात कर रहा हूँ भाई, और स्वागत है आप सबका रॉय मैच प्रोडक्शन में। चलिए आज बात करते हैं सीपीएल 2024 के मेरे भाई दसवें मुकाबले के बारे में जो यहाँ खेला जाना है मेरे भाई सेंट लुसिया बनाम गुयाना के बीच। पर उससे पहले मेरे भाई हम लोग बात कर लेते हैं मेरे भाई मैच नंबर 9th के बारे में, क्योंकि उसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैच नंबर 9th के बारे में जो भी मैंने प्रेडिक्शन दी वो सारी प्रेडिक्शन मेरे भाई बिल्कुल सही गई। मैंने बोला था कि टॉस बार्बाडोस जीतेगा और मैच भी बार्बाडोस जीतेगा, वो भी गया। मैंने बोला था कि इस मैच में मार्केट को पूरा मैनिपुलेट किया जाएगा, मार्केट को इस तरह मैनिपुलेट किया जाएगा कि क्योंकि वहाँ पे सेंट किट्स के मैदान में जिस तरह से रन लग रही थी 201 रन लगा, वो चेज हो गया। तो यहाँ पूरा पंटर ये सोचे कि ये बिल्कुल बैटिंग पिच है। वहां पे क्या कर रहा था, 200 प्लस का हर लंबी यहां पे यस हो रहा था। और पंटर पूरी तरह यहां पे ये मान चुका था कि यहां पे भैया अगर मैच होगी तो यहां पे 200 प्लस का स्कोर लगना बिल्कुल तय है, और यहां पे 210-220 का स्कोर यहां पे चेज भी हो जाएगा। पर यहां पर मेरे भाई मैंने बोला था कि इस मैच में यहां पे पूरे मार्केट को मैनिपुलेट की जाएगी, चुतिया बनाया जाएगा इस मैच में। मैच नंबर 9th है, पूरे मार्केट को बेवकूफ बनाया जाएगा। यहां पे बड़ा स्कोर दिखा दिया आप लोगों को, और यहां पे सडनली क्या करेगा कि यहां पे 160 से भी कम का स्कोर लगवा देगा। जो भी मैंने बोला वही मैच में हुआ, लमसम 156 का स्कोर था, 157-156 पे जीत रहा इस मैच नंबर 9th में। तो यहाँ पे जितने मार्केट में जितने भी पंटर लॉबी थे वो सब 165 या 170 175 सब लोगों ने यस करके चला, और सारा का सारा यहाँ पे 20 ओवर का लंबी यहाँ पे नॉट हो गया, और यहाँ पूरा मार्केट का पंटर यहाँ पे लॉस खा गया। तो मेरे भाई पूरा वीडियो को देखा करिए, बारीकी से देखा करिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप जो अगर पूरा वीडियो देख लेते हो तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारा आप लोगों को ब्रीफिंग पहले मिल जाएगी इस मैच में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। जितने भी लोगों ने वीडियो देखा होगा मेरे भाई वो लोग लंबी में नहीं फंसे होंगे, लमसम सारा 6 ओवर सेशन थोड़ा सही गया था, पर 10 ओवर 15 ओवर 20 ओवर सारा सेशन यहाँ पे मेरे भाई नॉट चला गया, और मार्केट खा के यस कर करके यहाँ पे पागल हो गया। तो ये चीज़ है, तो वीडियो को पूरा देखा करिए, यहाँ से आप लोग काफ़ी अच्छी ब्रीफिंग मिल जाती है। जिस तरह की यहाँ प्रेडिक्शन आपको मिलती है मेरे भाई मार्केट में और कहीं नहीं मिल सकती है, मिलने को मिल सकती है पर जिस तरह से आपकी बुद्धि में अट जाए ऐसी सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाया जाता है कि मेरे भाई फिर वैसा जिस काम की तलाश में आप लोग मार्केट में घूम रहे हो भटक रहे हो सोग ना, बेहतरीन काम आप लोग को ऑलरेडी यहाँ पे मिल रहा है मेरे भाई, तो कहीं आपको आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में भी आप पूरा वीडियो देख लीजिए, आप लोगों को काफ़ी सारा आप लोगों को हिंट मिल जाए, काफ़ी सारी आप लोगों को ब्रीफिंग मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं मेरे भाई अब इस मुकाबले के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया ये सेंट लुसिया बनाम गुयाना मिजोन वॉरियर्स के बीच है, दोनों टीम अपनी दो दो मैच खेली है, दोनों मैच यहाँ पे जीत कर आ रही है, और दोनों टीम अभी तक की सबसे अब जाकर ये हॉट फेवरेट टीम हो गई, क्योंकि टिकियार हॉट फेवरेट टीम थी पर टिकियार यहाँ पे एंटीगुआ जाकर मैच हार गया। ये दोनों टीम अब तक जितने भी मैचेस खेली है जीत कर आ रही है मेरे भाई, दोनों टीमों के प्लेयर्स काफ़ी अच्छे फॉर्म में, दोनों टीमों के बॉलर्स काफ़ी अच्छे फॉर्म में, दोनों टीम काफ़ी अच्छी यहाँ पे प्रदर्शन कर रही है। 8 सितंबर को भारतीय समय अनुसार 4:30 बजे मुकाबला खेला जाना है मेरे भाई, यानी कल सुबह में, कल डबल हेडर, एक बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं मेरे भाई इस मुकाबले, तो हम आपको बताने वाले मेरे भाई कौन सी टीम और मैच डिटेल्स क्या होगा जो मैंने आप लोगों को बताया, पिच एनालिसिस, हेड टू हेड रिकॉर्ड, प्लेइंग 11, टॉस सेंसेशन, और मेरे भाई यहाँ पे मैच प्रेडिक्शन क्या होगी वो हम आप लोगों को बताने वाले हैं। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ वरना आप लोगों को दिखेगी नहीं। अच्छा चलिए, तो उसके लिए मेरे भाई आप लोग क्या करना है मेरे भाई, आप लोग को जाकर के मेरे टेलीग्राम चैनल को जाकर फॉलो करना है, या अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे अगर आप लोग इस वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हो तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपको मोर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करके करोगे मेरा ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करके आप लोग को सीधा जाकर के मेरे टेलीग्राम चैनल को जाकर के ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, क्योंकि मेरा फाइनल प्रेडिक्शन फाइनल रिपोर्ट आप लोग को वहीं पे आती है। अब तक के बीते नौ मुकाबले में मेरे भाई मैंने आप लोग को 6 टॉस दिया है, और 6 के 6 टॉस मेरे भाई यहाँ पे सारा पास दिया आप लोगों को, मैच में थोड़ी सी ऊंच नीच हुई है पर टॉस में आप लोग का कोई ऊंच नहीं, बिल्कुल 100% का रिकॉर्ड जा रहा है, और जिस तरह से आप लोग को एंट्री मिलती है मेरे भाई सीधा ले जाकर अंडर 50 पैसे की एंट्री आप लोग को मिलती है, कोई 90 पैसा 80 पैसा 70 पैसा पे खाने की एंट्री नहीं मिलती है, क्योंकि मेरे भाई एंट्री वहाँ लेनी चाहिए जहाँ पे कम पैसा लगे और ज़्यादा प्रॉफिट हो। मेरा वो काम नहीं है कि आप लोग को 90 पैसे 70 पैसे 80 पैसे की एंट्री दिला दूँ, वहाँ से सीधा अगर 30 पैसे पलटी आएगी तो आप लोग वहाँ से जीते क्या, जब लॉस कट बुक सेट करोगे तो जीतोगे, अगर वहाँ पे अगर आप लोग खाते हो 40 पैसा पे 50 पैसा पे कम से कम तो
अब जाकर पलट के अगर 25 पैसा पे या 30 पैसा पे अगर आप लोग बुक बनाते हो तो यहाँ पर ले जाकर आप लोग काफी ज्यादा अच्छी प्रॉफिट हो, क्योंकि मुझे आप लोगों से पैसे नहीं लेने हैं, बस आप लोगों को प्रॉफिट कराने। तो जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर से जाकर के फॉलो कर लेंगे आप लोग। चलिए बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में। तो ये मुकाबला मेरे भाई डैरन सैमी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पे खेला जाएगा। ये पहला मुकाबला अभी यहाँ पे खेला जाएगा। बारिश की थोड़ी सी संभावना है, बारिश की थोड़ी सी संभावना है। और बात की जाए मेरे भाई यहाँ के पिच के बारे में, तो यहाँ पे क्या बोलता है, द पिच एट द डैरन सैमी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इज द डिसेंट बैटिंग सर्फेस विद अ पावर स्कोर ऑफ 161। तो यहाँ पे 161 रन का स्कोर यहाँ पे आराम से इजिली लग जाता है। और यहाँ पे इसमें चेस डिफेंड का खेल इसमें हो जाता है। इन द लास्ट सीपीएल 2023 सेशन फॉर द आउट ऑफ द सिक्स गेम वेयर अबंडेड, यहाँ पे मेरे भाई छः में से चार मैच यहाँ पे अबंडेड हो गए थे, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे बारिश की बहुत ज़्यादा वो रहती है, बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल चीज़ होती है, यहाँ पे कब बारिश हो जाएगी कोई ठिकान नहीं। वाइल द अदर टू गेम्स सॉ स्कोर 187 201, और जो भी छः में से चार मैच तो यहाँ पे अबंडेड हो गई थी बारिश कारण, जो भी दो मैच वहाँ पे खेली गई थी, जो बची दो मैच, तो 187 का स्कोर लगा था और 201 का स्कोर लगा था। यहाँ पर आप कह सकते हैं यहाँ पे एवरेज स्कोर का गेम हो सकता है 70, ना हाई और ना ज़्यादा लो। तो यहाँ पे 170, 174, 175 राउंड का यहाँ पे गेम हो सकता है। और थर्ड पॉइंट है, स्पिनर्स आर एक्सपेक्टेड टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑन दिस विकेट स्पेशली ड्यूरिंग द मॉर्निंग गेम। मॉर्निंग के मैचेस में यहाँ पे स्पिनर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छा मतलब गेम निकालने वाली बॉलिंग यहाँ पे कर सकते हैं और गेम निकाल सकते हैं। स्पिनर एक्सपेक्टेड टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट ऑन दिस विकेट स्पेशली ड्यूरिंग द मॉर्निंग गेम। और यहाँ पे प्रेशर के लिए भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा मदद है मेरे भाई इवनिंग के गेम में यहाँ पे प्रेशर के लिए काफ़ी अच्छा मदद है। अच्छा बाउंस मिलता है, अच्छा पेस यहाँ जनरेट होता है, टप्पा खाने के बाद अच्छा पेस वहाँ पर जनरेट होता है, अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है यहाँ पे। और हाँ, बैट्समैन के लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा, बैट्समैन भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते थे, तीनों फॉर्मेट के लिए, तीनों तरह के बॉलर बैट्समैन स्पिनर तीनों तरह के लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे आप लोग का पिच देखने को मिल सकती है। चलिए बात करते हैं टोटल यहाँ पे मैचेस। तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे 37 मुकाबला खेला जा चुका है, जहाँ पहले बल्लेबाजी की टीम ने 15 मैचों को जीता है और चेस करने वाली टीम ने टोटल 22 मैचों को जीता है। 162 यहाँ पे एवरेज स्कोर होता है, यहाँ पे एवरेज स्कोर है और यहाँ पे टाई यहाँ पे एक भी मुकाबला नहीं हुआ मेरे भाई, टाई यहाँ पे एक भी मुकाबला नहीं हुआ। 162 यहाँ पे एवरेज स्कोर है। हाई स्कोर की बात की जाए सेंट लुसिया करा है 226 रन 6 विकेट के नुकसान पे, और लोवेस्ट स्कोर भी सेंट लुसिया करा है 69 रन 10 विकेट के नुकसान पे। वहीं अगर बात की जाए मेरे भाई स्कोरिंग पैटर्न की, यहाँ पे 150 से नीचे का स्कोर 9 बार लगा है, 150 से 169 का स्कोर 16 बार लगा है, 170 से 199 का स्कोर यहाँ 5 बार लगा है, और 190 प्लस का स्कोर यहाँ पे 7 बार लगा है। देखा जाए मेरे भाई तो यहाँ पे बिल्कुल ये एवरेज स्कोरिंग ग्राउंड है, यहाँ पे अच्छा खासा रन पड़ेगा और यहाँ पे चेस भी होगा और यहाँ पे डिफेंड भी होगा, दोनों चीज़ होगा यहाँ पे। चलिए आगे बात करते हैं इन दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स को जरा हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब तक 22 मुकाबला खेला जा चुका है, जहाँ पे सेंट लुसिया ने 8 मुकाबले को जीता और गुयाना ने 13 मुकाबले को जीता। देखा जाए यहाँ पे मेरे भाई तो गुयाना यहाँ पे डोमिनेट करती हुई नजर आती है मेरे भाई सेंट लुसिया के सामने, और गुयाना डोमिनेट बिल्कुल पूरी तरह से की है। और यहाँ पे एक मुकाबला इन दोनों के बीच में टाई भी रहा है, और लास्ट 5 मुकाबले को अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे सेंट लुसिया ने 1 मुकाबले को जीता है, फिर गुयाना लगातार 2 मुकाबले जीता है, फिर यहाँ पे सेंट लुसिया जीता है और यहाँ पे गुयाना जीता है। तो देखा जाए मेरे भाई तो लुसिया 2 मुकाबले जीता है और मेरे भाई गुयाना यहाँ पे 3 मुकाबला जीता है लास्ट के 5 मुकाबलों में। और दोनों टीमों के अगर प्लेइंग 11 पे अगर हम लोग नजर डालते हैं तो गुयाना की तरफ से रमनुल्ला गुरबाज, साई होप, आजम खान, सिमरन एटमायर, रेमंड रेफरी, और मेरे भाई रोमारियो सेफर्ट, ड्वेन पिटोरियस, किमो पॉल, इमरान ताहिर, गुडकेश मोती, और मेरे भाई यहाँ पे समार जोसेफ। और यहाँ बात की जाए सेंट लुसिया के प्लेइंग 11 के फाफ डुप्लेसी, अकीम अगस्ते, बानका राजपक्षा, रोस्टन चेज, डेविड विजे, जॉनसन चार्ल्स, टिम सेफर्ट, और मेरे भाई माइकल गोविया, और मेरे भाई मैथ्यू फ्रोडे, अलजारी जोसेफ और नूर अहमद, सारी इनकी लाइनअप बहुत अच्छी फॉर्म में, और इनकी भी लाइनअप बहुत अच्छी फॉर्म है मेरे भाई। तो यहाँ पे ऐसे मुकाबले में हम लोग को अच्छा कमाने का मौका मिल सकता है, और ऐसे मुकाबले में हम लोग को अच्छा मोटा प्रॉफिट करने का ये मौका है। तो यहाँ पे 4:30 बजे सुबह में आप लोगों को जाग जाना है। और फाइनली अगर बात की जाए आप लोग के मतलब के काम की, तो यहाँ पे अगर 6 ओवर के सेशन की बात की जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग को रुक जाइए, यहाँ पे आप लोग को 50 से 55 का स्कोर आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकता है 6 ओवर सेशन में। वहीं अगर 20 ओवर के सेशन की बात की जाए, 20 ओवर टोटल लंबी की बात की जाए, तो आपको 170 से 175 का गेम आप लोग को यहाँ पे होता हुआ दिख सकता है। कल के मैच में 70 से 175 का राउंड का स्कोर आप लोग लगता हुआ दिखेगा, 160
160 राउंड का 165 राउंड का स्कोर यहाँ पे लगता हुआ नहीं दिखेगा। 170 से 175 के बीच का यहाँ पे 170 प्लस का अगर आप लोग को लंबी दिख रहा है आंख बंद करके यस मार दीजिएगा, यस हो जाएगा। वहीं अगर बात की जाए मेरे भाई विकेट कॉल की, तो मुझे दोनों इनिंग में पावर प्ले मुझे एक एक विकेट आना पसंद है दोनों इनिंग में, सेंट लूसिया की तरफ से भी और गुयाना की तरफ से भी। और यहाँ पर रन यस रन नॉट ये हर चीज़ आप लोगों को मैं टेलीग्राम चैनल मिलेगी, जैकपॉट अपडेट जो भी रहेगी आप लोगों को मैं टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। जैकपॉट अपडेट का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए कि आप लोग को पहली एंट्री आप लोग को ले जाकर दूँ मैं आप लोग को अंडर 40 पैसा पे, और उसमें बोलूँ कि भैया 50% 60% 70% लिमिट्स खाइए, बाकी क्या लिमिट आप लोग बचा कर रखिए, छोटा रेट मुझे आना पसंद है। फिर वहाँ पर ले जाकर जब अंडर 30 पैसा का यहाँ पे आप लोग को अंडर 30 पैसा का यहाँ पे जब आप लोग को रेट मिलते फिर यहाँ पे कहता हूँ मेरे भाई खाओ। और फिर यहाँ पे ले जाकर जब सीधा जब अपनी टीम फेवरेट आ जाती है अंडर 30 पैसा, फिर ले जाकर यहाँ पे आप लोग को बुक बनवाता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप लोग को एक्टिव रहना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां जाकर के आप लोग को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वहीं अगर चलिए फाइनली बात करते हैं टॉस की और मैच की, मैं अनुसार इस मुकाबले का टॉस यहाँ पे आप लोग को सेंट लूसिया जीतेगी, सेंट लूसिया इस मुकाबले का टॉस जीतेगी। वहीं अगर मैच की बात की जाए मेरे भाई, तो उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नया आए हो पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नीचे सब्सक्राइब का आइकन होगा वहां पे क्लिक करके आप लोग को ऑल पे क्लिक कर देना ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो के अपडेट आप लोग को मिलती रहे। आपके अनुसार इस मुकाबले का विनर कौन होगा कमेंट बॉक्स में बताना नहीं बोलेंगे। चलिए बात करते हैं फाइनली मेरे भाई यहाँ पे मैच की, तो मैच मेरे अनुसार लगता है मेरे भाई यहाँ पे सेंट लूसिया मैच को जीत जाएगी, होम टीम इस मैच को जीतेगी, सेंट लूसिया इस मैच को जीतेगी। बट मेरे भाई फाइनल प्रेडिक्शन फाइनल रिपोर्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मिलेगी, जाकर के आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि जिस तरह काम की तलाश में आप लोग मार्केट में घूम रहे हो बेहतरीन काम आप लोग को वहां पर ऑलरेडी दिया जा रहा है। चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए धन्यवाद।